हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अतुल, आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम निफ्टी के बारे में चर्चा कर रहे हैं और जलते बाजार में तड़पते निवेशक। टाइटल तो मैंने बहुत ही इस तरह से रखा है क्योंकि जो एक्चुअल में आजकल हो रहा है, लेकिन अभी कुछ राहत के संकेत नहीं नज़र आ रहे हैं। कब मिलेगी राहत और ये भी अभी नहीं पता। मार्केट ने ऑलमोस्ट 10,000 का लेवल आज हिट कर दिया है और ये बिल्कुल नेक टू नेक पॉइंट पर इस वक्त खड़ा है। अगर यहाँ से गिरावट आई तो फिर एक अच्छी गिरावट आपको मार्केट में दोबारा देखने को मिलेगी। 97-9600 के पास जाके इसका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल रहने वाला है। अगर 9950 के नीचे मार्केट चला जाता है अगले नेक्स्ट वीक में, यानी कि मंडे ऑनवर्ड, तो डेफिनेटली आपको 9600 से लेकिन 9700 के बीच में लेवल दिखाई दे सकते हैं। सो अब हमें वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार कि मंडे को मार्केट ने किस तरह ओपनिंग देनी है। आप टेक्निकली हम लोग लेवल्स को देख लेते हैं और आप फिर उसी हिसाब से अपनी स्ट्रेटजीज़ को सेट कीजिएगा। और किसी भी काउंटर में निवेश करने से पहले आप जो भी रिस्क और रिवॉर्ड है वो सेट कर लीजिएगा। कितना आप रिस्क मैक्सिमम बेयर कर सकते हैं या ले सकते हैं, या क्या आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं, और उस रिस्क के करस्पॉन्डिंग आप कितने प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर निफ्टी का चार्ट है अभी मेरे पास, निफ्टी 50 का चार्ट है ये, और आप देख सकते हैं निफ्टी 50 का ये वीकली चार्ट मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ। 10,030 का लेवल आज है और ऑलमोस्ट अपने लोअर लेवल पे ही बंद हुआ। 10,004.55 के लेवल के पास इसने लो मारा है आज। 10,004 का लेवल लो मारा, यानी कि ऑलमोस्ट 10,000 टच कर दिया। जैसा कि हमने यू नो सितंबर मंथ में एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने आपको बताया भी था कि निफ्टी 10,000 का लेवल टच करेगा, वहीं पर स्मॉल कैप 5,500 का लेवल टच करेंगे 5,500 का, और जो मिड कैप होंगे वो 16,000 का लेवल टच करेंगे। और ऑलमोस्ट तीनों ही इंडेक्सेस उन्हीं लेबल्स के आसपास आ चुके हैं। तो अब क्या है, क्योंकि अगर यहाँ से अगर 99,53 ये हमारा नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है 9950 का, अगर यहाँ से गिरावट आती है निफ्टी के अंदर तो डेफिनेटली निफ्टी का जो नेक्स्ट लेवल रहेगा वो 9650 का रहेगा। 9660 का निफ्टी का नेक्स्ट लेवल रह सकता है 9660 से 9700 का। सो गाइज, अगर काउंटर में अब गिरावट आई अगर नेक्स्ट वीक, सो डेफिनेटली आप लोगों को फिर 300-400 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल सकती है इन केस ऑफ फॉल। तो ये निफ्टी के बारे में हमने बात किया। यहाँ से रिवर्सल के इंडिकेशन फिलहाल अभी कुछ नज़र नहीं आ रहे हैं हमें। क्या होता है मंडे, नोबडी नोज। कुछ न्यूज़ आती है या कुछ इस तरह का यू नो इवेंट जनरेट होता है कुछ, तब हो सकता है यहाँ से अपसाइड जाए। बट फिलहाल एज ऑफ नाउ अगर हम वीकली चार्ट को देखते हैं तो किसी तरह का ऐसी उम्मीद नज़र नहीं आती कि इसमें एक अपसाइड का मोमेंटम आ जाएगा। अगर यहाँ पर हम लोग लोअर साइड में देखेंगे तो यहाँ पर 9950 एक अच्छा सपोर्ट लेवल रहेगा, और 9950 के नीचे अगर मार्केट गया तो 9600 से 9700 के बीच में आपको टारगेट प्राइस मिलेगा। साथ ही अगर हम लोग निफ्टी मिड कैप की बात करेंगे तो मैं आपको निफ्टी मिड कैप का इंडेक्स दिखा देता हूँ। सो निफ्टी मिड कैप में आप देखिए ऑलमोस्ट 16,000 का लेवल आ गया है, और यहाँ पर देखिए आज मार्केट ने 16,000 का इस आज के दिन में लगभग 16,014 का लेवल टच किया है। यहाँ पर एक दोजी काइंड ऑफ कैंडल तैयार हुई है। सो प्रोबेबिलिटी लगता है कि मिड कैप में यहाँ से तेजी आनी चाहिए और उम्मीद यही है। और यहाँ से अगर बुलिशनेस मिड कैप में स्टार्ट होती है तो आपको काफ़ी ज़बरदस्त अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। सो 16,000 द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल इन द निफ्टी मिड कैप। इसके अलावा निफ्टी स्मॉल कैप में भी हम लोग बात कर लेते हैं। स्मॉल कैप में निफ्टी स्मॉल कैप का भी लेवल आप देखेंगे कि पिछले कई दिनों से जो कैंडल्स बन रही हैं वो स्मॉल दोजी कैंडल्स बन रही हैं, जहाँ पर एक अनसर्टेनिटी बताई जा रही है कि बुलिश और बियर्स एंड बुल्स जो हैं वो अनसर्टेन पोजीशन में बैठे हैं कि किस डायरेक्शन में मार्केट मूव होगा। बट यहाँ से अगर अपसाइड स्टार्ट होता है स्मॉल कैप में तो जो स्मॉल कैप काउंटर्स हैं जिनमें आपकी होल्डिंग्स हैं उनमें आपको एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये आपको स्मॉल कैप 5500 तक वापस देखने को मिल सकता है। तो ये हमने निफ्टी के बारे में बात की और उम्मीद करते हैं कि आप इन लेबल्स को नज़रअंदाज नहीं करेंगे और इन लेबल्स को ध्यान में रखते हुए ही अपने निवेश को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप लोग निफ्टी पर नज़र बना कर रखिएगा। नमस्कार दोस्तों।